ओके कहता ए बड़े भैया रोड में मैं जाऊंगा जो मर्जी होके आऊंगा हूं ओए मुन्ना तो अकेला नहीं जाएगा तेरा भाई भी जाएगा था आप सबके बीच जोरदार तालियों के बीच मैं समय को बिल्कुल आज जाया नहीं कि जो देख गए और बोले शिव महाराज की क्योंकि समय कम है जितना देखो सबसे पहले तो मैं दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये लाइटें लगाई हैं क्योंकि मैं अंधेरे में दिखता नहीं हूं। नहीं देखो मैं पूरे इंडिया में शोज करता हूं। हमारे बीच हमारे सर बैठे हुए हैं जॉन सर मैं ना थोड़े दिन पहले लखनऊ गया था प्रोग्राम करने तो वहां पे भी इतने अच्छे लोग बैठे हुए थे सारे एक औरत थी सारे तालियां मार रहे थे सीटियां मार रहे थे वो औरत मेरे को ऐसे देख रही है अब मेरे से रहा नहीं गया मैंने मिमिक्री सुनाई चुटकुले सुनाई वो मेरे को ऐसे देख रही है मेरे अंदर का हिमाचली जागा मैं स्टेज से नीचे गया मैंने पैर छुए मैंने आंटी जी कोई गलती हो गई है कहती तेरी शक्ल मेरी सास से मिलती है मैंने दाढ़ी वाली सास जी देखो मैं सिखाऊंगा सबसे पहले कि तालियां कैसे मारते हैं तो सबसे पहले औरतों की बारी आपने अपना हाथ ऐसे रखना है हाँ जी और याद करना है अपनी सांस को ये वाली आंटी तो बोल रही है मेरे तो सब देखो अब मर्दों की बारी अपने भाई लोग बैठे हुए हैं आप लोगों ने अपना हाथ ऐसे करना है सर आपने भी अपना हाथ ऐसे करना है और याद करना है जिसने आपका रिश्ता करवाया था देखो तालियां कौन नहीं मारता मैं पिछले जैसे दुबई गया था परफॉर्म करने तो वहां लोग तालियां नहीं मारते ये लोग खुद को ज्यादा अमीर समझते हैं तो एक भाई साहब बैठे थे मैंने भाई साहब आप तालियां नहीं मार रहे हैं बोले मैं अमीर आदमी तालियां मारने के लिए बंदे रखे हैं मैंने बोला देखो तो मोटू बातें कर रहा था मेले में आने की वो कहता अरे भैया खाली पेट में दिमाग की बत्ती जल जाती है मैं ऐसे जाने वाला नहीं है कहता ए बड़े भैया रोड मेले में जाऊंगा जो मर्जी होके आऊंगा ओए मुन्ना तो अकेला नहीं जाएगा तेरा भाई भी जाएगा डर चुका जा रहे हैं आप लोग चलो जाने वालों को कौन रोक सकता है भगवान आपकी आत्मा को शांति दे देखो चल अपना बजाए
तो गाइज अंकुश भारद्वाज इंडियन आइडल के टॉप कंटेस्टेंट में से एक थे, तो वो भी यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं आज। क्यों आ रहा है तू हवा में।